प्रयागराज शहर का ये एक बहुत ही दिव्य स्थान है। बाहर से जितने भी सैनानी प्रयागराज घूमने आते हैं तो यहाँ जरूर ही आते हैं। ये स्थान ऋषि भारद्वाज नाम से जाना जाता है और ये प्रयागराज के आनंद भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अतः जब आप यहाँ आए तो आनंद भवन भी जरूर घूम लीजिए। हमने यहाँ का लोकेशन शनलिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकोगे। यहाँ अंदर जाने पर ढेर सारे छोटे छोटे मंदिर है। रामायण में उल्लेखनीय है कि पुरुषोत्तम राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से जब 12 वर्षों के वनवास को निकले तब रास्ते में वो भारद्वाज ऋषि का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसी कारण यह स्थान प्रयागराज का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया। ऋक्तंत्र के अनुसार वे ब्रह्मा बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त का या था तो महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। तमसा तट पर क्रौंचवध के समय भारद्वाज वाल्मीकि के साथ थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण आयुर्वेद सहित धनुर्वेद राजनीति शास्त्र यंत्र सर्वस्व अर्थशास्त्र पुराण शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। पर आज यंत्र सर्वस्व तथा शिक्षा ही उपलब्ध था। वायुपुराण के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक आयुर्वेद संहिता लिखी थी जिसके 8 भाग करके अपने शिष्यों को सिखाया था। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु को काय चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया था। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात ऋषि भारद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग गमी ही उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और हजारों वर्षों तक विद्या दान करते रहे। वे शिक्षा शास्त्री राजतंत्र मर्मज्ञ अर्थशास्त्री शस्त्र विद्या विशारद आयुर्वेद विशारद विधि वेत्ता अभियांत्रिकी विशेषज्ञ विज्ञान वेत्ता और मंत्र दृष्टा थे। ऋषि भारद्वाज की महिमा अनंत है। आपको इनके दर्शन करने प्रयागराज के इस स्थान पर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में हमें ये लिखकर जरूर बताइए कि आप कब यहाँ पर आ रहे हो।